हम जो नौकरी करते हैं उसी में खुश है, जितना पैसा कमाते हैं उसी में खुश है। उस इंसान के लिए एक छोटा सा जवाब है, आप रात को सोते समय शांत टाइम में अपना दिमाग से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो साइकोलॉजिकल गेम है। आप उनको जो बोलेंगे, जितना मांगेंगे आपको वो देता है। आप दिमाग को पूछिए, सवाल कीजिए कि मुझे 10,000 कमाना है, कैसे कमाना है, दिमाग आपको रास्ता देता है। 20,000 कमाना है, कैसे कमाना है, पूछिए, सवाल कीजिए दिमाग से, दिमाग आपका जवाब देगा 20,000 कैसे कमाओगे। रास्ता आपका बताएगा, रास्ता चूज करना आपका काम है। ओके, तो आप उसी तरह दिमाग जब शांत रहता है, शांत समय से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है कि मैं इंसान जन्म क्यों लिया हूं। ये 4 को 0 दिमाग पे याद रखना है। पहला, क्या जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए? दूसरा 0, क्या जिंदगी भर पेट भरने के लिए? तीसरा 0, जिंदगी भर क्या सोने के लिए? चौथा 0, क्या जिंदगी भर सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए? समझ में आया बात? ये 4 को 0 याद रखना है। हाँ, अपना दिमाग से आप सवाल कीजिए कि मैं इंसान जन्म क्यों लिया हूं। क्या सिर्फ कागज का रुपया कमाने के लिए, या तो जिंदगी भर अपना पेट भरने के लिए, या तो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए, या तो फिर अपना पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए। अभी आप क्वेश्चन जब कीजिएगा तो आपका सवाल का जवाब आपका दिमाग देगा। क्या देगा मालूम है? क्योंकि ये जो है, ये 4 जीरो, ये जो 4 काम बता रहे हैं, कोई भी जीव करता है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, करता कि नहीं है? वो भी दिन भर घूमता है, दाना खोजता है, खोजता कि नहीं, मेहनत करता है, पेट भरता है ना। उसके बाद क्या करता है, वो भी सोता है, आराम करता है। उसके बाद क्या करता है, वो भी अपना पीढ़ी को बढ़ाता है, बच्चों को जन्म देके वो भी अपना पीढ़ी बढ़ाता है। ये तो कोई भी जीव करता है, बट हम इंसान जन्म लिए तो क्यों इंसान जन्म लिए, है कि नहीं, क्या रीजन है? तो आपका सवाल का जवाब आपका दिमाग देगा, इंसान जन्म मुझे इसलिए मिला, हम रहे ना रहे कल को ऐसा कुछ आज काम करके जाए जीवन भर मेरा नाम रह जाए। समझ में आया? तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है एक्स्ट्रा में? आज हम कर रहे हैं काम, किसी को और का भी भला हो, है कि नहीं। अभी आपको अपने आप से पूछिए कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो मैं नौकरी में कितना को भला कर सकता, और क्या क्या कर सकते हैं, जब जबकि मतलब भी जैसा कि सिर्फ अपना चला रहा हूं, अपना फैमिली का चला रहा हूं, है कि नहीं, और ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है, घूमने घामने का कभी तो सपना ही नहीं देखता है कि नहीं। मैंने नौकरी वाला बहुत किसी देखा हूं, एक तो ऑल्टो या तो 4-5-7 लाख कार ले लिया, ले तो लिया है लेकिन कवर हटा के पड़े सिर्फ पोछे जाता है, पोछे जाता है, पोछे जाते हैं। मेरा अगल बगल बहुत सारा एक दो कार लिया है, लेकिन क्या करता है, कवर हटा के सिर्फ पोछता है, फिर कवर लगा के रख देता है, सजा के रख देता है। गाड़ी का 2-2 साल हो गया है, लेकिन बताइए गाड़ी का 3,000 किलोमीटर नहीं चला है, तो 100 के लिए ले लिया है। ओके, लेकिन एक बिजनेसमैन का कार देखिए, बिजनेसमैन का गाड़ी देखिए, रास्ते में फेंका हुआ है, सड़ रहा है, पशु पक्षी गंदा कर रहा है, होता कि नहीं। सोच को देखना है, ट्रेवल के लिए सोचता नहीं है नौकरी वाला, लेकिन बिजनेसमैन अच्छा अच्छा जगह घूमने का सोचता है, नया नया जगह घूमने का सोचता है, फॉरेन टूर जाने का सोचता है, अपना फैमिली को घुमाने का सोचता है, अपना फैमिली को तीर्थ में लेके जाने का सोचता है। सोचता है कि नहीं, कितना डिफरेंट है। ठीक है, कल्पना करना है कि मैं अगर बिजनेस करूं तो मेरा फैमिली क्या हो सकता है, मैं एक्स्ट्रा कुछ इनकम करूं तो मेरा क्या हो सकता है। आप पहले कल्पना कीजिए, ओके, कि आप इंसान जन्म क्यों लिए हैं। जब आपको ये 4 चीज समझ में आ जाएगा तो आप 100% जो है अपना जॉब के साथ में, अपना पढ़ाई के साथ में, अपना कपड़े के साथ में आज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करने का सोचेंगे। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए नौकरी सही है, मेरे लिए जो आ रहा है वही सही है, तो फिर आप समझ जाइए क्या पक्षी है कि पशु है ना क्या है।
ओके, मतलब आप इंसान नहीं है, समझा? क्योंकि इंसान का मतलब क्या होता है आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि इंसान जन्म कितना जन्म के बाद मिलता पता है ना, तो इंसान जन्म मिला वन टाइम, आप कैसे उसको जीना है वो आपके है कि नहीं। इस जीवन को हमको एंजॉय करना है कि सिर्फ काटना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, डिसीजन आपका, जिंदगी आपका है कि नहीं, और हमारा जिंदगी की चाबी हमारे पास रहता है, अच्छी तरह से समझा देना है। ओके, क्लियर है ना?